नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, वहां पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। अब आर्यन खान का दोस्तों, जब एनसीबी ने पूछताछ करी है तो फाइनली बयान जो है सीक्रेटली सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है जो कि हमारे यूथ से जुड़ा हुआ है। आर्यन की बात करें दोस्तों तो यूथ आइकन भी है कहीं ना कहीं वो। तो ऐसे में आर्यन खान जो है एनसीबी के पूछताछ के दौरान कुछ बड़े बड़े सोर्सेज की तरफ से ये बातें सामने आ गई हैं। बड़े पोर्टल्स ने कवर कर लिया है कि आर्यन ने बोला है कि मुझे पार्टी में बतौर गेस्ट जो है बुलाया गया था, पार्टी ऑर्गेनाइज़र ने मेरे नाम का इश्तिहार इस्तेमाल किया। एनसीबी ने कहा कि दोस्तों एनसीबी की तरफ से फिर आया है कि एनसीबी ने कहा कि इन तीनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, अब आगे इनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है जहां से इनको बेल भी मिल सकता है। शाहरुख खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी आई है दोस्तों, आपको बता दूं तो। आर्यन खान का इस तरीके से नाम सामने आना सचमुच में हैरान करने वाला है, सचमुच में चौंकाने वाला है। और आर्यन ने फाइनली अपना एक बयान भी दिया है, और इस बयान में फाइनली आर्यन ने ये बात बोल दी है कि मुझे जो है फंसाया जा रहा है और सिर्फ पार्टी ऑर्गेनाइज़र ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया और मुझे जो है बेसिकली मैं पोस्टर बॉय बन गया हूँ और मेरे नाम का ही पोस्टर में डाला था नाम, एज अ गेस्ट था मैं और मुझे फंसाया गया है। तो दोस्तों ये पहला ऑफिशियल बयान है जो कि सामने आ रहा है आर्यन का। ऐसे में जो जो बातें मैं पता चलती जाएंगी मुझे, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आप बस बने रहें फीफा फूज के साथ, मैं राहुल भोज आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।